साहब अपा का ही करा दो सीटियां बजे अरे चमक चलो क्या होगा सीटियों से गौ माता बच जाएगी सीटियों जागरण सफल हो जाएगा साहब जागरण को सफल करना अपने हाथ में सनातन धर्म को बचाना अपने हाथ में ना तो मोबाइलों से धर्म बचने वाला है और ना आपकी सीटियों से धर्म बचने वाला है और ना आपकी जेब में कोई तानसेन की पूड़ियां पड़ी उसे बचने वाला है उस शरीर जाने वाला है। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए तन मन धन तीनों का सपोर्ट जरूरी है। तो या धन की भी जरूरत है तो आप धन का भी सपोर्ट करें। आज मुझे आपके तन की जरूरत है कि यह जागरण सफलतापूर्वक सफल हो। आपका सहयोग मुझे चाहिए। जो आप कहेंगे वह हम गाएंगे, जो आप कहेंगे वो हम बोलेंगे, लेकिन आपके विशेष सहयोग की हमें आवश्यकता है। कोई भी कार्यक्रम में व्यवधान पैदा नहीं करेगा, नहीं करेंगे ना, एक बार हाथ खड़ा करके बोलेंगे नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस वादा। अगर किया तो सुबह की जल्दी फ्लाइट से देश निकाला कर देंगे, हाँ, मुंडे पे मास्क बांध के, हाँ। इसलिए कार्यक्रम अपना है, अपनी बहन बेटियां पूरा परिवार अपने बीच में बैठा है, प्लीज मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। अपनी माँ बहन बेटियां भी पूरा घर छोड़ के यहाँ आई है, इस मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। किसी ने भी मर्यादा की सीमा लांघने की कोशिश की तो बाकी तो रिजल्ट बाद में देंगे, लेकिन ओम डिगणा तत्काल एंड ऑन द ग्राउंड। क्यों मन को बाप को वोट कौन लेना, अपने को सिर्फ मेरी गौ माता के लिए बोलना। तो प्लीज मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी आदमी गलती करता है उसको आप साइड में लेके एक बार मंच की तरफ लिया है कि भाई साहब ये दो बार तो बोल दिया पर तीसरी बार कौन माने, और कोई बोतल को दूध पियोड़ो बाछड़ो है, हाँ मारी बात खारी तो कौन लगे ना। ये टोपी वाले भाई साहब जिनका नाम है सुनील जी बंजारा, एक बार ताली बजाएं शिवा भाई के लिए। ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, मात्र 20, 22 और 25, 25 साल से ज्यादा बड़े नहीं है, 25 साल की उम्र है। लगभग 100-125 गौ माता को कटनी में जाते हुए इन्होंने बचाया। और गौ माता को बचाते बचाते इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी गौ माता के लिए। बोले कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखाई देगा लेकिन मैं मेरी गौ माता को नहीं मरने दूंगा। साहब ऐसे शख्स की धरती पर बहुत आवश्यकता है। हम भगवान से यही मंगल कामना करते हैं प्रभु, ये दीनानाथ। और मैं तो भगवान परमिता परमात्मा तेजाजी महाराज से यही आग्रह करता हूं, मेरी एक आंख की रोशनी ले ले और मेरे भाई को एक आंख ही दे दे। साहब माइक में बोलना एक अलग है, गौ माता को गाड़ी में उतार के गौशाला तक पहुंचाना बहुत बड़ा साहसिक प्रयास आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके पूरे परिवार को और बाबा रामदेव जी महाराज से यही मंगल कामना करता हूँ गुरुदेव की असीम कृपा से। आपकी आंखों की रोशनी जल्द वापिस आएगी ये मुझे पक्का विश्वास है, मेरी गौ माता लाएगी ये मुझे पक्का विश्वास है। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुण्य तालियों से स्वागत है गौ भक्तों, धन्यवाद भाई बिठाओ। ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं और जब भी मेरा कार्यक्रम होता है 100 किलोमीटर में ये सुनील भाई बंजारा अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं और जो अपनी इच्छा अनुसार 10,000, 15,000, 20,000 गोदान की राशि जिस गांव में जागरण होती है उस गांव की गौशाला में ये देके जाते हैं। इनके साथ है डोंगर भाई गुजर, डोंगर भाई ये 2100 रुपए, बहादुर जी गुजर मांगलेवास आपकी ओर से 3100 रुपए। आप हैं डूंगर भाई गुजर जो किशनगढ़ के रहने वाले, पूरे दिन कांकड़ में बकरियां चराते हैं, शाम को जल्दी आते हैं, सुबह लेट बकरी लेके जंगल में जाते हैं। लेकिन इनका नियम क्या है कि आप खुद गले में झोली बांध के पूरे किशनगढ़ में गौ माता के लिए रोटियां मांगते हैं, पूरी गौ माता के लिए सूखी रोटी मांगते हैं, ठंडी रोटी मांग मांग के मेरी गौ माता को गौशाला में ले जाके जिमा के गौ माता को चरा के और फिर अपनी बकरी लेके जंगल में जाते हैं। ये आप है डोंगर भाई गुजर, खारी कौन लगे ना, ये लागे तो कहीं कर ले हो। थार करने की ट्रीटमेंट है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान छोटूलाल जी, करेसिया केरिया गांव
एक आटा चक्की गौ माता के गौशाला में और 22,000 रुपए जोरदार तालियों से स्वागत श्रीमान छोटूलाल जी करेशिया के लिए। जय हो। छोटूलाल जी कहां बैठे हैं? लालचंद जी, लालचंद जी भाई साहब कहा? लालचंद जी प्रजापत सरपंच प्रतिनिधि पिसायन जोरदार तालियों से स्वागत। तो कम है सर, 31,000 रुपये दिए श्रीमान लालचंद जी प्रजापत जोरदार तालियों से स्वागत। अरे ताली ऐसी बजाए, इसको मैं डबल करवा दूंगा। आपकी ताली में इतना पावर होना चाहिए, मैं डबल करवा दूंगा। हाथ उठा के बजाए, हो गए डबल, पक्का हो गए, पक्का हो गए, ये हो गए। 61,000 रुपये जोरदार तालियों से स्वागत। ये आपकी तालियों का पावर है साहब। ये मजदूर का हाथ एक हथियार लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता है। हाथ उठा के ताली बजाए, बोलो श्रीया ने मात की, बोले गौ माता की, क्योंकि ये गौ भक्तों का हाथ है। हो गया ना आपका पावर है 31 में गाड़ी। अरे ते टेंशन मत लियो, लाल जीरो कार जो घणो मोटो बात लाख से नहीं जा सके। हा श्री भैरव भक्त मित्र मंडल, श्री भैरव जी भक्त मित्र मंडल आपकी ओर से 61,000 रुपये जोरदार तालियों से स्वागत। माता जी आप इधर आ जाए, आप यहां बीच में ना रहे। हाँ आप इधर से बीच में से आ सकते हैं, एक बार थोड़ी जगह दो, इधर से आ जाएंगे, एक मिनट के लिए जगह दे दो। आप बीच में खड़े ना रहे वहां, यहाँ कोई मेरी माता बहन यहाँ खड़ी नहीं रहे, आपके लिए पंडाल अलग है, यहाँ आ जाए आप। एक बार निकल दो भाई, भाई जी को निकल दो। धन्यवाद। क्यों थे कोई ने मार्ग देवला तो राम जी थाने गेलो देवेला, खैर थे कोई गाड़ियां पिंचर कर रहा था गाड़ी वेला। हाँ धन्यवाद भाई, अल्लाह ना करे, हल बैठ जाओ। ओ पोपटलाल बैठ जाओ। दिनेश जी नायक प्रधान जी, दिनेश जी प्रधान जी मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज मंच पर आए। दिनेश जी प्रधान जी, हाँ टेंशन ना लियो, लाल जी मारी बात नहीं कमावेला। दिनेश जी वहां बैठे हैं, दिनेश जी प्रधान जी, सरुण जी छोटू जी का भाई गांव केरिया पिशंगण, 500 रुपया गौ माता रे सप्रेम भेंट। दिनेश जी बंजारा 500 रुपए, पुष्पा जी माहेश्वरी पिशांगण 5100 रुपए, शंकर जी कोत फतेहपुरा 5100 रुपए, नेमचंद जी कुमाऊ पिशांगण 2100 रुपए, नारायण जी देवासी पिशांगण 5100 रुपए, भाकर जी देवासी पिशांगण 2100 रुपए, अरविंद जी शर्मा पिशांगण 11,000 रुपए तालु से स्वागत। लेकिन कम है अरविंद जी के, कम है अरविंद जी रकम है सर, अरविंद जी कटे सर, अरविंद जी का मैं कम, उनको फोन लगाया जाए, फटाफट फोन लगाया जाए, कंप्यूटर जी उनको फोन लगाया जाए, दो हेल्पलाइन आपके बीच में मौजूद है, कौन बनेगा करोड़पति। चेन जी फड़ोदा डाबला 2100 रुपए, राजेंद्र जी चौधरी पुलिस थाना पिशागन तालियों से स्वागत 2100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई साहब। ओम प्रकाश जी सोनी पिशागन 1100 रुपए, राजेश जी चौहान पिशागन 500 रुपए, मुकेश जी रंगलाल जी गुजर भटसूरी 2000 रुपए, संवरलाल जी गुजर सनफ सुखदेव जी बक्तापुरा 500 रुपए, पिशांगण सरस दूध डेयरी शेतन दरवाजा पिशांगण 11,000 रुपए तालु से स्वागत। मेटेरियल डाल दे, हाँ मेटेरियल डाल दे।
रामदेव जी चेची मांगले वास 2100 रुपए, धन्यवाद। माणक जी प्रजापत पीसांगण, एक बार भाई साहब मंच पर आओ उधर से। हेलो भाई साहब बैठ जाओ, हल्ला नहीं करे बैठ जाओ, मैं यहां खड़ा हूं ना, आपको दिखाई दे रहा हूं, बैठ जाए आप। छापा वाले काका बैठ जाए, ओ बेटा बैठ जाओ। अपना नाम काउंटर पर लिखवाए, वहां से पर्ची आएगी तब आपका नाम बोलेंगे आराम से। भाई जी बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, बैठो आप। अरे बेटा नाम लिखाओ ना, कहीं एक एक रुपये लाओ और दो, और दो और एन जेब में निकाल, बटो में निकाल, निकाल बारे जेब चेक कर, निकाल कता जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, मोबाइल लड़ गए लोड़ा रिया ना। शिवराज जी चौधरी 500 रुपया और 1000 रुपया गुप्त दान, बहुत एक बार ताली बजाएं इसके लिए, भाई के लिए। श्रीमान माणक जी प्रजापत पिशांगण, आपकी ओर से 51,000 का मेटेरियल श्री गोपाल गौशाला में डाला जाएगा, 51,000 का मेटेरियल, पत्थर बजरी भाटा सीमेंट चूना जो भी, बहुत बहुत धन्यवाद माणक जी। पुकरा जी वैष्णव वार्ड पंच पिशांगण 500 रुपए, प्रधान जी आएगा क्या, जय हो। नंदलाल जी बदरी प्रसाद जी साहू उप सरपंच पिशांगण 2100 रुपए, नाथुला जी साहू सुनील जी साहू पिशांगण वीडियो एडिटर 500 रुपए, धनराज जी अशोक जी कुमार जी साहू पंचोली पिशांगण 2100 रुपए, कालू जी केसरपुरा 300 रुपए, हनुमान जी केसरपुरा 1500 रुपए, शिवराज लाइट वाले 11000 रुपए, जोरदार तालियां शिवराज जी लाइट वाले, समस्त कारीगर स्टाफ गौ भक्त बुधवाड़ा 11000 रुपए, तालियों से स्वागत। निर्मल जी सनोप केला जी चौधरी गांव मकरेड़ा, आपकी ओर से 11000 रुपए।